जितनी फसल थी वो नष्ट हो गई, जो कटी हुई थी वो सारी बह गई और जो लगी हुई थी वो सारी गलकर उसी में वो हो गई सर, जाम गया, सारे अफवाह हो गए हैं जी। और इस पे कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है जी, और कहने पे कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है जी। जनपद श्रावस्ती के गिलौरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत किशुनपुर चंदनभारी गांव खरकहिया में भारी बरसात के वजह से फसलों पर काफी नुकसान हुआ, वहीं दूसरी तरफ तेज हवाओं से फसलों को गिरा दिया। वहीं पर राप्ती नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से ऐसे किसानों की स्थिति पर कहर टूटा कि जिससे किसान बेहाल है। 2014 में बाढ़ आई थी, उससे भी भयानक बाढ़ आज आई है कल से, और 95% फसलें समाप्त हो गई हैं। 5% कोई कहीं एक आध कुंटल दाना निकाल लाया होगा, बाकी सब क्षतिग्रस्त हो गया। और सरकार हमारे गांव न्याय पंचायत नीवा भारी के अंतर्गत भवानी नगर नीवा भारी और नका धर्मनगर को बाढ़ राहत में लिया, लेकिन मेरे ग्राम पंचायत किशुनपुर चंदनभारी की काफी उपेक्षा की गई और खरकहिया की, जबकि तीनों तरफ से चारों तरफ से पानी बह करके जमाव यही होता है। हुआ है किसान त्राह त्राह कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। अब कल से ही खाने के लिए यहाँ कोई अन्न नहीं है कि क्या खाया जाएगा। अब कैसे आगे गेहूं की फसल बोई जाएगी, कैसे बीज खाद उर्वरक खरीदा जाएगा, कैसे डीजल आएगा, कैसे जोताई होगी। गवर्नमेंट को शासन प्रशासन को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे ग्राम पंचायत किशुनपुर चंदनभारी में आकर के तत्काल निरीक्षण करें, मौके का जायजा लें, मौके देखें, कोई गलत ना उनको फहमी हो कि फर्जी वीडियो बना दिया गया है। जिला अधिकारी महोदय, मैंने तो सुना है, को क्लियर नहीं जानता हूँ, जिला अधिकारी की ही कमी से सारा ये षड्यंत्र हो रहा है। जिला अधिकारी ने सिग्नेचर किया होगा तब नेपाल से यहाँ पानी छोड़ा गया, और कल 4 बजे के पहले 4,71,000 क्विंटल पानी छोड़ा गया है। अब जिलाधिकारी को स्वयं सोचना चाहिए था कि इतना हम पानी छोड़वा रहे हैं और फिर यहाँ जनता का क्या हाल होगा। आपने किसी अधिकारी को एप्लीकेशन दिया है? हाँ, नेपाल को साहब, नेपाल को दिया। हाँ, नेपाल ने क्या कहा? कह रहे हैं जी देखा जाएगा, जो नुकसान हो गया तो बच्चों को कैसे जियाया जाएगा, सारा चला गया जी, जो था घर में था वो सारी फसल में लगा दी गई, अब ना घर में रह गया ना खेत में रह गया सर। कितनी आपकी खेती थी? सर 15 बीघा। कितनी लागत लगाई गई थी? कम से कम उसमें 18,000 रूपए लगाई गई थी। आपकी फसल जो लगी हुई थी कितने कुंटल तक तैयारी में थी? सर 45 कुंटल तक होती है, कम से कम में जी 45 कुंटल जी। जी एक बीघे में 3 कुंटल कम से कम में होती है। कल बारिश हुई, बारिश से तो हवा चली, हवा चलने से पूरा लिटा दिया जी, और लिटाने के बाद उसे बारिश हुई, बारिश में भी जो धान था वो भीग गया। इसके बाद परसों रात में हल्का पानी आया, फिर इसके बाद में आज सुबह 5 बजे सारा जी उगल लिया, पूरा जलमग्न कर दिया जी, उसमें सारा धान चला गया जी, पूरी फसल चलेगी। तो आपसे भी, आप मीडिया वालों से भी, आप देश के चौथे स्तंभ हैं, आप माननीय सम्मानीय हैं, आपसे भी निवेदन और विनती कर रहा हूँ कि मेरे गांव को तत्काल राहत उपलब्ध कराने का जो है कष्ट करें, और कम से कम प्रति एकड़ 20,000 रूपए राहत के रूप में दिलाया जाए, वरना किसान यहाँ बेमौत मरेंगे। इस वीडियो बनाने के बाद में समुदाय में मीटिंग की गई, स्क्रीनिंग की गई, इसके बाद में गांव के ही नेकपाल से हमारे फोन पे बात हुई। उन्होंने बताया कि हमने सर्वे कर एसडीएम को भेज दिया है, और एसडीएम से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन परिवार के लोगों को पानी खटकने तक के उन लोगों को मुआवजे के तौर पर पहले बच्चों के खाने का व्यवस्था किया जाएगा, उसके बाद में उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश, जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहार्ट के लिए।